कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए रखे गए, जबकि दूसरे सेक्टर्स के लिए 60,000 करोड़ रुपए के लोन गारंटी की घोषणा की गई है। सरकार के साथ चल रही तनातनी के बीच ट्विटर की एक और मनमानी सामने आई है। ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ छेड़खानी की है। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया है। सरकार की ओर से इसे बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मामले को लेकर ट्विटर के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकती है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों को 15 जुलाई तक बढ़ाते हुए सैलून समेत कई चीजों को खोलने की इजाजत दे दी है। बंगाल सरकार की तरफ से सोमवार को जारी नई गाइडलाइंस में सैलून, ब्यूटी पार्लर्स को 50% क्षमता के साथ सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि इसमें वैक्सीनेटेड स्टाफ होने चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच तनातनी जारी है। सोमवार को सीएम ममता ने कहा कि मैंने पश्चिम बंगाल के गवर्नर को हटाने के लिए 3 पत्र लिखे हैं, वो एक भ्रष्ट व्यक्ति है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनका नाम साल 1996 में सामने आए हवाला जैन केस की चार्जशीट में था। जम्मू हवाई अड्डे पर स्थित वायुसेना स्टेशन पर रविवार तड़के 2 ड्रोन से बम गिराए जाने और इस हमले में वायुसेना के 2 कर्मियों के घायल होने के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार से एक बार फिर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ओवैसी ने कहा है कि भारत सरकार को वैसा ही एक्शन लेना चाहिए जैसा उसने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर लिया था। उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी दूर रही। BSP ने इस चुनाव में अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। BSP सुप्रीमो मायावती ने चुनाव न लड़ने की वजह बताई है। मायावती की तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश दिया गया कि वो इस पंचायत चुनाव में अपना वक्त खराब न करते हुए पार्टी को मजबूत करने में लगाए। मायावती ने कहा कि इससे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में BSP को फायदा होगा। हरियाणा के मेवात इलाके में हिंदुओं के शोषण, उन्हें पलायन के लिए मजबूर करने और जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने की शिकायत करने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। वकील रंजना अग्निहोत्री समेत कई और याचिकाकर्ताओं ने इसे तबलीगी जमात और दूसरे कट्टरपंथी संगठनों के कहने पर चल रही साजिश बताया था। 1,000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराए जाने के मामले में UP ATS ने सोमवार को 3 और गिरफ्तारियां की। प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग होती रही है। मामले में 3 गिरफ्तारियां की गई है। ये गिरफ्तारियां दिल्ली और हरियाणा से की गई है। भारत ने सोमवार सुबह 10:55 पर ओडिशा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम टापू पर अग्नि सिराज की एक नई मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। नई परमाणु सक्षम मिसाइल पूरी तरह से कॉम्पोजिट मटेरियल से बनी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षण के दौरान मिसाइल सभी पैमानों पर सटीक पाई गई। शेयर बाजार ने सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को अपनी बढ़त गंवा ली और ये लाल निशान पर बंद हुआ। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 189 अंक नीचे गिरकर 52,736 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 46 अंक यानी 0.29% की गिरावट के साथ 15,814.70 के स्तर पर बंद हुआ।